वो जो कि 3.5 लाख रुपया का मैंने छीन लिया गया है। कहाँ से? ऑटो, ये 90 फीट से नाला रोड जाने के क्रम में। 24/23 को रात्रि में ज्ञान प्रकाश जो हिंसा नालंदा के रहने वाले हैं, हम पर कि उनके बैग से 3.5 लाख रुपये चोरी। मेरा भाई था छोटा वाला, वो जो कि 22 मार्च को गुजर गया। अब घर का बदरेशन हमें ऊपर आ गया। राजधानी में अगर ऑटो से चलते हैं तो हो जाए सावधान, ऑटो लिफ्टर का ना हो जाए आप शिकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं NVC 24, मैं हूं अजय कुमार। ताजा मामला आपको बताते हैं, कंकड़बाग थाना अंतर्गत का है, जहां पर कि एक ज्ञान प्रकाश मोबाइल के व्यापारी नालंदा से आ रहे थे और नालंदा से बस से उतरने के बाद 90 फीट पर वह ऑटो में बैठते हैं। ऑटो में बैठने के बाद वह ऑटो लिफ्टर गैंग का शिकार हो जाते हैं। आपको बताते चलें कि ऑटो लिफ्टर गैंग में एक महिला भी शामिल थी जो कि ऑटो में बैठी हुई थी। आपको बता दें कि ज्ञान शंकर से 3.5 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है और यहां पर ज्ञान शंकर क्या कुछ आप बीती सुना रहे हैं जरा देखो। वो जो कि 3.5 लाख रुपए का इस मैंने छीन लिया गया है। कहाँ से? ऑटो, ये 90 फीट से नाला रोड जाने के क्रम में। क्या क्या घटना हुआ था, पूरी डिटेल से बताइए। मैं हिलसा का निवासी हूँ, मेरा नाम ज्ञान प्रकाश है और मैं हिलसा से चला, 90 फीट पर उतरा बाकरगंज मंडी जाने के लिए अपने दुकान के काम से, और मेरे पास कैश था 3.5 लाख रुपया। मैं एक ऑटो पर बैठा नाला रोड जाने के लिए 90 फीट से उतर के, और वो देखिए एक सीट खाली था उस पर बैठा और आगे से एक उतर के फिर ज़बरदस्ती मेरे को ढकेलने लगा और वो बोला कि पकड़ लीजिए मेरा एक हाथ, एक आदमी बोला पीछे कर लीजिए। अब मेरे पास बैग रखा हुआ था पैर पर और उससे चैन से सार के निकाल लिया, चैन वापस लगा दिया। हमको आभास हुआ जब हम अपने मंडी में पैसा देने के लिए दुकानदार को निकाले तो ऑटो में पीछे से मैंने पहले से 2 व्यक्ति बैठे हुए थे और एक व्यक्ति आगे से उतर कर आए और एक व्यक्ति फिर आगे भी है, सब मिला के करीब करीब 5 आदमी। महिला भी थी उसमें? एक महिला भी थी सबसे साइड में। क्या रोल था उसका, क्या एक्टिविटी? वो कुछ नहीं बोल रही थी, वो शांति से बैठी हुई थी। आपको पहले उतारने के लिए बोला और तो उतरने के लिए? हाँ, हमको उतर जाइए खराब है। हाँ उतर जाइए, जो लोड नहीं ले रहा जो हमको गाड़ी बनवाना पड़ेगा। महिला उतरी? नहीं महिला नहीं उतरी, न उस पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उतरा। और जो व्यक्ति हमको धकिया रहा था ना, वही हम उतर मेरे उतरने के बाद वह जो कि वापस फिर मेरे ही सीट पर आकर बैठ गया। टेम्पू क्या कहा के ले गया आपने? टेम्पू लेकर ले गया कि हम जा रहे हैं बनवाने के लिए, लोड नहीं ले रहा, बहुत तेजी में निकल गया। ये लगभग आपको मलाई पकड़ी चौक से लेके 90 फीट का जो मोड़ है उसके बीचे बीच में हमको उतार दिया। क्या काम करते हैं आप? हम तो व्यापारी हैं मोबाइल का। मोबाइल खरीदने आए थे कि पैसा जमा करने? जी नहीं, खरीदने आए थे। आपको आभास तनिक नहीं हुआ कि इतनी बड़ी घटना हो गई? जी नहीं, आभास तो नहीं हुई सर। FIR करवा रहे? सोच तो रहा हूँ। थाने गए आप? हाँ गया हूँ। क्या बोला थाना से? सहयोग का कामना है, उम्मीद है। काफी मेहनत का पैसा डूब जी, मेरे पास तो मेरा भाई था छोटा वाला, वो जो कि 22 मार्च को गुजर गया। अब घर का बदरेशन है मेरे ऊपर आ गया है, बहुत परेशान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञान प्रकाश है। कितना मोबाइल नंबर है आपका? 8521800831। कहाँ के रहने वाले? जी मैं हिलसा का निवासी हूँ। जाहिर सी बात है कि ज्ञान शंकर ने पूरी तरीके से बताया कि ऑटो लिफ्टर का शिकार वो हो गए हैं और 90 फीट से गांधी मैदान जा रहे थे बाकरगंज मोबाइल खरीदने के लिए, उसी क्रम में ऑटो लिफ्टर गैंग का यह शिकार हो जाते हैं और ठगी करके 3.5 लाख रुपए उनके पैकेट से निकाल लिया जाता है। और यहां पर थाना प्रभारी क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं जरा अभी देख। 26/23 को रात्रि में ज्ञान प्रकाश जो हिलसा नालंदा के रहने वाले हैं, थाना पर आके बताया कि उनके बैग से 3.5 लाख रुपए की चोरी हो गई है। उनके द्वारा बताया गया कि वो नालंदा से बस से आए, बस स्टैंड से टेम्पो पकड़ के 90 फीट आए, 90 फीट से उन्होंने बाकरगंज के लिए नाला रोड के लिए उन्होंने टेम्पो लिया है। 90 फीट से जब आगे बढ़ा तो टेम्पो में ज़्यादा भीड़ थी, तो टेम्पो चालक बोला कि आप उतर जाइए, ये उतर गए, फिर दूसरे टेम्पो से ये नाला रोड के लिए गए। जब नाला रोड में इन्होंने खरीदारी की और अपना बैग देखा तो बैग से इनका 3.5 लाख रुपया गायब था।
इनके साथ जो घटना घटी है इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है और जो अज्ञात टेम्पो चालक है और जो टेम्पो में सवार व्यक्ति है उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जाएगी। जाहिर सी बात है कि थाना प्रभारी ने इस पर संज्ञान ले लिया है और उचित कार्रवाई के लिए सीसीटीवी कैमरों को चेक किया जा रहा है और लगातार ऑटो गैंग को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी जारी है। अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें, यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें।